मोदी सरकार ने कर्नाटक के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी डीजीपी प्रवीण सूद को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई का डायरेक्टर बनाया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के अगले दिन यानी 14 मई 2023 को उन्हें इस पोस्ट के लिए चुना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी के पैनल ने उनकी नियुक्ति की। हालांकि मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक चौधरी ने प्रवीण सूद के नाम पर ऐतराज जताया था। द हिंदू की खबर के मुताबिक प्रवीण सूद की नियुक्ति इस मामले में खास है कि उन्होंने कभी सीबीआई में काम नहीं किया और न ही केंद्र सरकार में काम करने का उनका कोई अनुभव है। उनका नाम सीबीआई के डायरेक्टर के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए अधिकारियों के ओरिजिनल पैनल में भी नहीं था। सूद हाल ही में उस समय चर्चा में आए थे जब कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले मार्च में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने सूद को नलायक बताते हुए ये तक कह दिया था कि वे डीजीपी पद के लायक नहीं हैं। शिवकुमार ने आरोप लगाया था कि सूद ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर 25 केस दर्ज किए लेकिन बीजेपी नेताओं पर एक भी केस दर्ज नहीं किया। दैनिक भास्कर की खबर के मुताबिक डीके ने सूद की गिरफ्तारी की मांग की थी और ये भी कहा था कि कांग्रेस की सरकार बनी तो सूद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बीबीसी हिंदी की रिपोर्ट में कहा गया है कि माना जा रहा है कि कांग्रेस सरकार सूद के खिलाफ कार्रवाई कर सकती थी, शायद इसीलिए उन्हें राज्य के बाहर जिम्मेदारी दी गई। सूद 2017 में तब विवादों में आए थे जब वो बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर थे। उस समय राज्य में कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री थे सिद्धारमैया। बीबीसी के मुताबिक सूद पर आरोप लगे थे कि उन्होंने कन्नड़ समर्थक आंदोलनकारियों को हिंदी के बिलबोर्ड और साइन बोर्ड पर काली पोतने के लिए गिरफ्तार करवाया था। इसके बाद उन्हें पुलिस कमिश्नर के पद से हटाकर एडीजीपी लॉजिस्टिक और कम्युनिकेशन बनाकर नई तैनाती दी गई थी। हालांकि तब सरकार ने इसे रूटीन ट्रांसफर बताया था। सूद मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के रहने वाले हैं। हालांकि उनकी स्कूलिंग दिल्ली के सरकारी स्कूल में हुई। उन्होंने आईआईटी दिल्ली से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया। सूद 1986 बैच के कर्नाटक कैडर के आईपीएस हैं। ये मात्र 22 साल की उम्र में आईपीएस बन गए थे। आईपीएस बनने के बाद उन्होंने आईआईएम बेंगलुरु से पब्लिक पुलिस मैनेजमेंट में एमबीए पूरा किया। सूद को जानने वालों की नज़र में वो एक काबिल अफसर रहे हैं। 2002 में उन्हें पुलिस पदक और 2011 में विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति की तरफ से पुलिस पदक मिल चुका है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सूद को 2013 में कर्नाटक स्टेट पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन का एमडी बनाया गया था। उस दौरान सिर्फ 9 महीनों में ही इन्होंने इसका टर्नओवर 160 करोड़ से बढ़ाकर 282 करोड़ रुपए पर पहुंचा दिया था। पुलिस कमिश्नर रहते हुए उन्होंने बेंगलुरु में नम्मा 100 नाम की एक सेवा शुरू करवाई थी जो मुश्किल में फंसे लोगों के लिए रिस्पॉन्स सर्विस थी। जनवरी 2020 में सूद को बीजेपी के शासन में कर्नाटक का डीजीपी बनाया गया था। उन्हें इस पोस्ट के लिए सीनियरिटी पर तवज्जो दी गई थी। उन्हें मई 2024 में रिटायर होना था लेकिन उससे पहले ही उन्हें सीबीआई महानिदेशक बना दिया गया। उनका कार्यकाल 2 साल का होगा।